वी हैव द क्वेश्चन फाइंड द एच सी एफ 405, 513 and 594। मतलब हमें इन तीन का एच सी एफ निकालना है, वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू। हमारे पास सॉल्यूशन होगा, हम डिवाइडिंग के जब करेंगे तो 513 को तो हम बनाएंगे डिविडेंड और 405 को हम बनाएंगे डिवाइज़र। हम डिवाइड करना शुरू करेंगे। अब 405 है 405, तो ये 1 पर जाएगा तो ये हमारा आ गया 405। माइनस करेंगे तो हमारा बचा ये 108। अब 10 को हम बनाएंगे डिवाइज़र और जो 405 है उसे बनाएंगे हम डिविडेंड। तो ये हमारा आ गया 405, ये जाएगा 3 पर तो हमारे पास आएगा 324। अब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 81 आ गया। अब 81 हमारा फिर बनेगा डिवाइज़र और 108 बनेगा हमारा डिविडेंड। तब ये हमारा जाएगा 1 पर तो ये आ गया 81 और जो हमारा रिमेनिंग बचा है वो है 27। अब फिर वही प्रोसेस रिपीट होगा, 81 इज़ अगेन अ डिविडेंड। अब ये जाएगा 3 पर और हमारे पास ये आ गया 81। तो इट मीन्स 27, मतलब करते 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 27 ने इसको होली डिवाइड कर दिया। अब हमारा बचा 594, तो हम क्या करेंगे, 594 को तो बनाएंगे डिविडेंड और 27 को हम बनाएंगे डिवाइज़र। ये आ गया हमारा और ये आया 27। अब ये जाएगा 2 पर, 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 54। माइनस करेंगे तो ये 5 ऊपर से 4, ये फिर 2 पे जाएगा, ये आया 54। ये माइनस करेंगे 0, यानी कि उधर भी 27 पे जाके कंप्लीट फिनिश आउट हो गया था और इधर भी 27 पे आकर ये पूरा फिनिश आउट हो गया। इट मीन्स जो हमारा एच सी एफ निकल के आया है तीनों का, वो आया है 27। तो वी हैव टू राइट इन दिस वे, एच सी एफ इज़ इक्वल टू 27। दैट्स द आंसर। Subscribe my channel. Thanks for watching. Have a nice day. Goodbye.